हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी सारे दिनों से मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में एंड कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे मेरे से यही डाउट पूछ रहे थे कि भैया जो हमारी मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप है, जो हमारी ई डिस्ट्रिक्ट वाली स्कॉलरशिप है, वो कब आएगी, जिसमें हम राशन कार्ड की मदद से 100% स्कॉलरशिप ले सकते थे, वो स्कॉलरशिप हमारी कब आने वाली है। क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से वो स्कॉलरशिप के फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं और पिछले साल भी उस स्कॉलरशिप के फॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो फिर भाई काफ़ी सारे बच्चों का यही डाउट आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चों को डर लग रहा है कि वो स्कॉलरशिप हमारी आ पाएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको बताऊंगा कि वो स्कॉलरशिप कब तक आती है, जनरली कब तक आती थी, और इस साल वो आने के उसके चांसेस हैं या फिर बिल्कुल चांसेस नहीं है। भाई तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो भाई जब भी हमारी स्कॉलरशिप आएगी ना, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप आएगी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से और भी कोई भी स्कॉलरशिप आएगी, तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर अपनी वीडियो बना के आपको नोटिफाई जरूर करा दूंगा कि भाई ये स्कॉलरशिप आई है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि भाई आपसे वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। भाई तो भाई अगर किसी को सबसे पहले एमसीएम स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, तो भाई ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप होती है, ई डिस्ट्रिक्ट पे इसके फॉर्म निकलते हैं। और भाई अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो आप इससे अपने कॉलेज की 100% ट्यूशन फीस प्लस यूनिवर्सिटी फीस आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है भाई। एंड भाई साथ में अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है, तो भी भाई आप अपनी इनकम के बेसिस पे, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो अपने कॉलेज की अपनी 50% फीस या 25% फीस पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेडली वीडियो बना रखी है कि एमसीएम स्कॉलरशिप क्या होता है। अगर आपको वो जानना है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो भाई अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, और अब मैं आपको बता देता हूं कि किस मंथ में हमारी जो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के जनरली फॉर्म निकला करते थे और कब हमारे स्कॉलरशिप के पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते थे। तो भाई अपना जनरली बताऊँ ना, तो जो जब हमारा बैच के टाइम था और हमसे सीनियर बैच थे ना, उस टाइम पे अपने जो मार्च अप्रैल के अराउंड ना फॉर्म निकल जाते थे। ठीक है, और मार्च अप्रैल के अराउंड फॉर्म निकलने के बाद आपके जो नवंबर दिसंबर के अराउंड आपके बैंक अकाउंट में पैसे सारे के सारे वापस आ जाते थे। ठीक है, बट जब हमारा बैच आया ना, हम थर्ड ईयर में, ठीक है, जब हमारा बैच आया, तो तब से ये मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप में लेट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमारे टाइम पे फॉर्म तो करेक्ट टाइम पे निकले थे, बट जो हमारे अकाउंट में पैसे आने का जो प्रोसेस था ना, वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपना नवंबर के आसपास पैसे आ जाते हैं, बट हमारे टाइम पे अगले साल के अपना अगस्त सितंबर तक पैसे आए, ठीक है ना, सबके बैंक अकाउंट में। ठीक है भाई, और वो भी 100% वालों के पहले आ गए थे, और जो 25% और 50% वाले थे, उनके और पैसे लेट आए थे भाई अकाउंट में। तो भाई अगर मैं अपने बैच का आपको बताऊँ, तो भाई हमने जब स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करे थे, तब थे हम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, हमारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, और मार्च अप्रैल में हमने अपनी जो स्कॉलरशिप के फॉर्म थे वो अप्लाई कर दिए थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हम ना लॉकडाउन के जस्ट बाद वाला बैच थे, तो हमारे जो एक साल के अंदर 3 सेमेस्टर्स कराए गए थे। ठीक है, तो हमने मार्च अप्रैल में फॉर्म भर दिए। ठीक है, और हमारा थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया था उसी साल के दिसंबर के अराउंड। ठीक है, फिर उसके बाद भाई अगले साल के आपके सेप्टेम्बर अक्टूबर तक, जहाँ तक मुझे अगर सही याद है, तो अगस्त सेप्टेम्बर तक हमारे पैसे आए। ठीक है ना, मतलब हमारा जो सेकेंड ईयर था ना, उसके एंड में हमारे पैसे आए फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के पैसे थे, उस सेकेंड ईयर के एंड में आए। ठीक है, और उसके बाद से फॉर्म ही नहीं निकले भाई। मतलब जो हमारा जूनियर बैच था ना, जो फर्स्ट ईयर में आया था, उनके लिए मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के फॉर्म ही नहीं निकले भाई। तो जैसा जाहिर सी बात है, हमारे जो सेकेंड ईयर था, उसके लास्ट में पैसे आए, मतलब इतनी लेट पैसे आए, तो फिर डायरेक्ट उसके बाद तो उन्होंने फॉर्म निकाले नहीं होंगे, तो इसलिए उसके बाद से वो अब तक फॉर्म निकले ही नहीं है, और उसके बाद से किसी के पैसे वापस आए ही नहीं है भाई। तो भाई यही बहुत ज़्यादा गलत बात हुई है। ठीक है, उसके बाद से स्कॉलरशिप के फॉर्म ही नहीं आए हैं। ठीक है, और हमें भी समझ नहीं आ रहा है, जब अगर स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आएंगे भी, तो भी हम अभी थर्ड ईयर में है, तो हम सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भरेंगे या फिर थर्ड ईयर के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हो रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म अपने हर टाइम पे जैसे आते थे, वैसे ही आए जा रहे हैं। अगर आप एस सी एस टी है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ना, वो एकदम टाइम पे आई जा रही है, तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर देनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को आप ओबीसी स्टूडेंट्स भी भर सकते हो, बट उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट मैट्रिक में ओबीसी के जो पैसे हैं, वो कम पैसे मिलते हैं उन्हें। ठीक है, एंड भाई जनरल तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपका कॉलेज है, कॉलेज भी अपना, हर कॉलेज अपनी अलग अलग स्कॉलरशिप्स निकालता रहता है। ठीक, तो अगर आपका कॉलेज स्कॉलरशिप निकाल रहा है और उसमें अच्छे पैसे आपको वापस
मिल रहे हैं तो फिर भाई आपको वो स्कॉलरशिप भी ज़रूर भर देनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरिट का मीन्स का सच में कोई पक्का नहीं है कि कब आएगी और आएगी भी या नहीं आएगी। अगर भाई MCM की बात करें तो भाई जैसा मैंने रिसर्च करी तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में आपके फॉर्म्स आ जाने चाहिए मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना। भाई मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि पक्का अक्टूबर में फॉर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा ऑफिशियल कहीं भी इन्होंने नहीं निकाला है। अपना जब भी फॉर्म्स आ जाते हैं तो अपना कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल NSUT की वेबसाइट पर आ जाता है, DTU की वेबसाइट पर आ जाता है कि MCM स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है ना। बट भाई ऐसा मैं कुछ भी क्लेम नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफिशियली कोई भी आपका अपडेट नहीं आया है। तो जैसा मैंने इंटरनल लोगों से पूछा है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो भाई उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर में हो सकता है कि फॉर्म आ जाए। तो भाई अक्टूबर भी आ ही चुका है, अभी एक महीना और वेट करके देख सकते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। भाई फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और कुछ कन्फर्म नहीं है कि अक्टूबर में भी आपके फॉर्म स्कॉलरशिप के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो भाई जो हम कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि भाई हम ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स में ट्वीट करेंगे और गवर्नमेंट को टैग करेंगे तो फिर भाई मेरे ख्याल से हमारे चांस बन जाएंगे कि उनको हम याद दिला सकें कि टाइम पे स्कॉलरशिप के फॉर्म से निकल जाएं उससे, या फिर अगर जो स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं निकलने वाले होंगे तो शायद ट्वीट करने से हमारा कुछ हो सके। तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमारे पास जो रास्ता है वो सिर्फ यही है कि अच्छे से ट्वीट करो एक अच्छे नंबर ऑफ अमाउंट में, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, जैसे मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जैसे हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नीचे टैग भी कर दूंगा। तो भाई मैं चाहता हूँ वो भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और अपनी जो ऑडियंस है उनको कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ट्वीट्स करने के लिए, ताकि हमारी जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँच सके और जो स्कॉलरशिप के फॉर्म्स हैं वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट निकाले। सो भाई इस पे स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मेरी वीडियो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर देख रहा है तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पे स्टेप्स लेने, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास DM करते हैं और अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं। और भाई नॉर्मल सी बात है, 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये तक आपका साल के अंदर देना किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपका 4 साल की मिला के 10 लाख से ऊपर आपकी फ़ीस बैठ जाती है कॉलेज के लिए, ठीक है। तो भाई ये फ़ीस बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको मिडिल क्लास के बच्चों को अगर पढ़ना है तो भाई स्कॉलरशिप की मदद इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बिना स्कॉलरशिप के मदद के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक पेरेंट्स के लिए अपनी 10 लाख रुपए तक फीस को इकट्ठा करना और कॉलेज में दे। एंड भाई काफ़ी सारे लोगों की ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम की पूरी सेविंग्स पढ़ाई में ही चली जाती है, ठीक है। तो भाई इसके लिए स्कॉलरशिप्स की एड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन स्पेशली इन कॉलेजेस में जिनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर जैसे DU के कॉलेज हैं उनमें पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, बट उनमें स्कॉलरशिप की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि भाई उनकी फ़ीस ही बहुत कम होती है। जो मेन स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, क्योंकि इनकी फ़ीस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है, हर साल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हमारे टाइम से जो पहले एक बैच था उनकी थी फ़ीस अप्रॉक्स पर ईयर की 1.5 लाख रुपये, ठीक है। और आपका जो बैच है उसकी 2,40,000 के आसपास अपनी सेकेंड ईयर की फ़ीस है, 2,30,000 थी फर्स्ट ईयर की फ़ीस, ठीक है। और ये हर साल इंक्रीज़ होती रहती है। तो भाई मैं सारे ही स्टूडेंट से कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्कॉलरशिप जल्दी आए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में ट्वीट करो और जो ये वीडियो है इसको शेयर करो, ताकि और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और कोई भी नहीं बना रहा है, मैंने पहले ही देख लिया है, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर नहीं बना रहा है। तो आप भी जिन भी यूट्यूबर्स को जानते हो उनको कहो उनके कमेंट्स में कि ये वीडियो बनाएं, ऐसी वीडियो बनाएं, ठीक है। और ये उनको शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आपका ही फायदा है भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा शेयर करोगे उतना लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि भाई ये स्कॉलरशिप हमारी जो है नहीं निकाल रही है गवर्नमेंट, तो इसको निकलवाने के लिए हमें ट्वीट करना है या फिर अपने जो ऑफिशियल्स हैं उन तक हमें ये बात पहुंचानी है। तो फिर भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो यूट्यूबर्स हैं हमारे जैक डेली के यूट्यूबर्स हो गए, जो भी जिनका भी आप जैक डेली में काउंसलिंग देखते थे, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनको टैग जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई उन सारे जैक डेली के यूट्यूबर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इस टॉपिक पर ट्वीट करें और ये जो हमारी बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँच सके। तो भाई अब शायद मैंने आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट बता दी हैं, ठीक है, और इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे वीडियो देखनी हो तो वो मैं यहाँ लगा दूंगा, और MCM स्कॉलरशिप क्या होता है उस पर वीडियो मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।